कितना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन बुधवार है। बड़े ध्यान से बात सुने, इसका कारण क्या था कि भगवान रात्रि में ही क्यों जन्म लिए? भगवान अर्धरात्रि में क्यों जन्म लिए? रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म क्यों लिए? बुधवार को ही क्यों जन्म लिए? इसका संक्षेप से हम थोड़ा बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। देखो, जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था तो चैत का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, और मध्याह्न काल दोपहर के समय जन्म हुआ था। उस समय तीनों लोकों में सारे लोग प्रसन्न थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन केवल दो व्यक्ति ऐसे थे जो रो रहे थे, मात्र दो लोग। कौन था, कौन कौन रो रहे थे? कहा एक तो, और दूसरे रात्रि रो रहे थे, केवल दो लोग रो रहे थे। अब बाकी तीनों लोगों में खुशियां मनाई जा रही थी, तो चंद्रमा क्यों रो रहा था? कहते हैं, मास दिवस का दिवस भाव मरम न जाना कोई। जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो भगवान सूर्य ने सोचा, हमारे कुल में परब्रह्म परमात्मा का अवतरण हुआ है। देखने के लिए वहां पहुंचे अयोध्या, तो देखने के बाद शुद्ध बुद्ध खो बैठे। उनको ये भान रहा ही नहीं कि आगे भी जाना है। मास दिवस का दिवस हुआ, कहा महीने भर की का दिन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, दिन के दोपहर के समय चंद्रमा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता था, इसलिए चंद्रमा रो रहा था कि ये जा नहीं रहे, और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हम कैसे दर्शन करेंगे। तो चंद्रमा इसलिए रो रहा था, और दूसरे रात्रि रो रही थी। रात्रि जब तक सूर्य देव रहेंगे रात हो नहीं सकती, आ सकती है रात्रि? नहीं आ सकती। तो रात्रि भी रो रही थी कि ये जाए तब हम वहां पहुंच के दर्शन करें। अब वह महीना भर सूर्य देव एक जगह पर ठहर गए। जब सूर्य देव महीना के बाद वहां से गए, तब जो है चंद्रमा और रात्रि आए। तो रात्रि ने पहले रो करके अपनी बात सुनाई, तो भगवान ने कहा, ठीक है रात्रि, दुखी मत हो, अगली बार हम तुम्हारे गोद से जन्म लेंगे। तो रात्रि में भगवान ने जन्म लिया। तब तक चंद्रमा भी सिसकने लगा, रोने लगा। भगवान ने कहा, रे तू क्यों रो रहा है? कहा, आए हो तुम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके धर्म की स्थापना करने के लिए, और आते ही तुम्हारे कुल के, जहां से ये कुल चला, सूर्य कुल में भगवान राम का जन्म हुआ था, तो कहा आते ही तुम्हारे जो है पूर्वजों ने अधर्म कर दिया, एक मास यहीं ठहरे रहे और तुमने उनसे कहा नहीं। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा चंद्रमा खुश हो जा तू, हम जन्म तो जो है भगवान राम ने कहा था, ध्यान रखिएगा, भगवान राम ने कहा था कि तू खुश हो जा, जन्म तो हम सूर्य कुल में ले रहा हूं, लेकिन नाम तुम्हारा हमारे साथ में जुड़ेगा। तो भगवान का क्या नाम पड़ा? रामचंद्र पड़ा। चंद्रमा फिर भी खुश नहीं हुआ, इतने पर भी खुश नहीं हुआ। तब भगवान ने दूसरी बात कही कि तुम केवल इसलिए रो रहे हो ना कि तुम दर्शन नहीं कर पाए, अगली बार जब हमारा जन्म होगा तो केवल तुम दर्शन करोगे, बाकी कोई नहीं करेगा। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो निशीथे तम उद्भूते, चंद्रमा का उदय हो रहा था और उस समय जन्म हुआ, केवल चंद्रमा ने देखा था। और जेल में नहीं देख पाया अच्छे से, तो वसुदेव जी सूप में लेके बाहर और आगे दिया, अच्छे से देख लो।
भगवान ने कहा था। तो कहा अब तो खुश हो जाना कि केवल तू दर्शन करेगा। चंद्रमा बड़ा हठी था फिर भी नहीं खुश हुआ। तब भगवान ने कहा देखो किसी के बच्चे को टॉफी दे दो तो पिता का मन खुश होता है ना। तब भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारा प्रिय पुत्र बुध है ना, तो अगली बार हमारा जन्म बुध को होगा, बुध के संयोग में। तो भगवान का जन्म बुधवार को हुआ कृष्ण का। फिर भी चंद्रमा नहीं प्रसन्न हुआ, इतने पर भी वो नाराज रहा। तब भगवान ने एक नई चाल चली। देखो ये चाल आपको भी बता रहा हूं, ये बिल्कुल काम कर जाएगा सब जगह। अगर किसी स्त्री को प्रसन्न करना हो, माता को प्रसन्न करना हो, तो बड़ा सरल उपाय है। क्या करो जानते हो? उसके मायके की बड़ाई करने लगो, चाहे पूरी बात झूठी हो। माताएं खुश हो जाती है, मायके की बड़ाई से एकदम खुश हो जाएंगे। अब अगर पुरुषों को खुश करना हो तो और सरल उपाय है, क्या? उसके पत्नी की बड़ाई कर दो। अरे वो तो साक्षात लक्ष्मी है, वो तो उसी के भाग से खा रहा है। एकदम पुरुष खुश हो जाते, एकदम ग्लैड हो जाएंगे। हाँ ये पुरुषों की कमी होती है। भगवान ने भी यही नीति अपनाई और कहा चंद्रमा अच्छा सबसे प्रिय पत्नी तुम्हारी कौन है? रोहिणी ना। तो कहा अगली बार जब हमारा जन्म होगा तो रोहिणी नक्षत्र में होगा। अब चंद्रमा खुश हो गया, इसीलिए भगवान का प्राकट्य रात्रि में हुआ, चंद्रमा के उदय होते समय हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ, बुधवार के दिन हुआ। अब जरा वहां की स्थिति देख लो, थोड़ी देर में भगवान का प्राकट्य होगा। कहते हैं दिशा प्रदेशो गगनम निर्मलो डो गरोदलम। उस समय आकाश बिल्कुल निर्मल थे, अभी वर्षा नहीं हो रही है, एकदम निर्मल आकाश, तारागण निकले हुए थे। मही मंगल भूयिष्ठा पुर ग्राम बजा करा। कहा पृथ्वी बिल्कुल मंगलमय हो गई, बड़ी प्रसन्न हो रही है। क्यों? भगवान के दो पत्नियां प्रधान हैं, एक लक्ष्मी और एक भूदेवी। तो भूदेवी ने सोचा बहुत दिन बाद हमारा मिलन होगा पतिदेव से, इसलिए सुंदर श्रृंगार करके। अब पृथ्वी का पुत्र है मंगल, मानो मंगल को गोद में लेकर पृथ्वी देवी भगवान की प्रतीक्षा करने लगी, स्वागत के लिए खड़ी हो गई। नद्या प्रसन्न सलीला हृदय जल रुहस्रिया। बहुत ध्यान देना, ये बड़ा विपरीत बात कही जा रही सारी बात भागवत में। नद्या प्रसन्न सलीला, यमुना का जल बिल्कुल निर्मल हो गया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष, निर्मल जल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। अच्छा एक बात और बताओ, मथुरा में कितनी नदियां हैं? एक सेकंड में बोलो, किसी को पता ही नहीं है। अरे इसमें से कोई मथुरा गया नहीं अभी तक। कितनी नदी है? चलो कम से कम बसंत ने तो ऐसे कर दिया दम, डरते डरते उंगली दिखाया। अरे मथुरा में केवल एक नदी है, यमुना नदी। लेकिन यहां नद्या शब्द बहुवचन प्रयोग कर रहे कि नदियां प्रसन्न हो गई, उनका जल निर्मल हो गया। क्यों नदियां कहा? तीनों लोकों में जितनी नदियां थी वो सब सूक्ष्म रूप धारण करके यमुना में आकर के मिल गई कि आज भगवान का हम स्पर्श करेंगे, दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे, इसलिए यहां नद्या शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहां जल निर्मल होने का मतलब यह है कि जब वह प्रसन्न हो गई तो उनका जो रजोगुण था, रज था, वो अपने आप नीचे बैठ गया और विशुद्ध सत्व गुण में नदिया आ गई। हाँ बिना विशुद्ध सत्व गुण के भगवान का दर्शन नहीं होगा। अब उसके बाद कहते हैं हृदय जल रुहस्रिया। एक चीज पर जरा ध्यान दीजिए, समय को मत जाइए, एक दो दिन की बात है।
कहते हैं कि कमल खिल गया, एक एक शब्द पे ध्यान दो। अच्छा, रात्रि में कमल खिल सकता है क्या? नहीं खिलता ना। सूर्य के किरण पड़ने से कमल खिलता है और रात्रि के उससे सूर्य अस्त होते बंद हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं हृदय जल रुहस्रिया, कमल खिल गया। कैसे खिला होगा? उसका भाव यह है कि जब नदियां प्रसन्न हुई तो नदियों का हृदय ही कमल है और वह प्रसन्नता में कमल अपने आप बिना सूर्य के ही कमल खिल गया। ये हो गया, रात्रि के समय कमल खिल गया। हमने एक बात बहुत बार कहा कि भागवत विलक्षण ग्रंथ है, इसमें सारी चीज अलग ढंग से कही गई। दुजालि कुल सन्नादहा, रात्रि के समय पक्षी नहीं बोलते, लेकिन कह रहे दुजालि कुल सन्नादहा, पक्षी वृक्षों पर बैठ करके सुंदर गीत गाने लगे, कलरव करने लगे। तब का बन राजे वबऊ वायु सुख स्पर्शहा, कहते हैं धीरे धीरे सुगंधित वायु बहने लगी। तेज वायु नहीं बही, धीरे धीरे सुख देने वाली वायु बहने लगी। क्यों? मानो पवन देव ने कहा रामावतार में तो हमारे पुत्र हनुमान ने सेवा किया था, लेकिन इस बार पुत्र को अवसर नहीं देंगे, हम स्वयं जो है भगवान की सेवा करेंगे, ये बताने के लिए वह धीरे धीरे सुगंधित वायु बहने लगी। और कहते हैं अग्नयः दुजाति नाम, ब्राह्मणों के घर में जो अग्नियां कंस के भय से बुझ गई थी अपने आप जल गई। मनांस्यासन प्रसन्नानी साधु नाम आश्रुहद्रुहाम, कहते हैं जो साधु पुरुष थे सज्जनों का मन अपने आप प्रसन्न हो गया, खिल गया। आकाश में गंधर्व लोग वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, जगो किन्नर गंधर्वा, सिद्ध कहते सिद्ध चारण आदि ये सब गान करने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुल रनुसागरा, अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक तारागण थे आकाश में निर्मल था, अब धीरे से बादल आ गया। और बादल आने पर क्या हुआ? कहते हैं मंदम मंदम जलधरा, धीरे धीरे वर्षा हो रही, तेज वर्षा नहीं, कैसी वर्षा? फुहार गिरने लगी। और ये कहां से लाए जल? कहां सागर से लाए जल, अल्लाह करके धीरे धीरे बरसा, मतलब फुहार हो रही है। मानो बादल ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे पास है ही क्या, हमारा सर्वस्व तो ये जल है और अपना सर्वस्व हम आपको समर्पित करते हैं। तो इस तरह से जल धीरे धीरे बरसने लगा। निशे थे तम उद्भूते जाय माने जनारद ने, देवाक्याम देव रूपेण्याम विष्णु सर्व गुहाशया, कहते हैं अर्धरात्रि का समय हुआ, चंद्रमा का उदय हो रहा था, उसी समय भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। देखो अभी ज्यादा बोलना नहीं है, कहीं कंस जग गया तो खतरा भी हो सकता है। जब भगवान गोकुल पहुंच जाए तब अपने को उत्सव मनाना है। जब कहते कैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, जैसे पूरब पूर्णिमा के दिन पूरब की दिशा से चंद्रमा का प्राकट्य हो जाता है, वैसे माता देवकी के गर्भ से भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ। कैसे हैं भगवान, जरा एक बार रूप देख लो उनका। अब हम बहुत संक्षेप से 5 मिनट में वहां पहुंचने वाले हैं, 5 मिनट से भी कम लगेगा, 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे। कैसे हैं? तो कहा तमद्भुतम बालक मम भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम, कहते हैं तमद्भुतम, बड़ा अद्भुत बालक है। क्या अद्भुत है? तो कहते हैं
अंबुजे क्षणा मुझके नेत्र सुंदर कमल के समान है। चतुर्भुजम चार भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। देखो इसका भी बड़ा वह है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। श्री वत्स लक्ष्मण वक्षक स्थल पर श्री वत्स का भृगु का चरण चिन्ह बना हुआ है। कुछ लोग इसका अर्थ लक्ष्मी का चिन्ह कहते हैं, दोनों मान ले लीजिए, तो कहते हैं लक्ष्मी का चिन्ह बना हुआ है। गल सो भी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ माला पड़ी हुई है। पीतांबर धारण किए हुए है, भगवान का रूप कैसे है, कहा जैसे बरसने वाले बादल का रूप है। सांद्र पयोद सौभगम, बादल दो होते हैं, एक गरज के चले जाते हैं बरसते नहीं, वो काले काले वाले, और एक होते हैं वो गरजते तो हैं लेकिन बरसते भी हैं, तो भगवान बरसने वाले बादल के जैसे हैं। क्यों, मानो भगवान कह रहे हैं सांद्र पयोद सौभगम का मतलब हम तो यहाँ प्रेम की वर्षा करने के लिए आए हैं, केवल तुम हमारी ओर एक बार देखो। अच्छा एक बात बताओ, बालक का जन्म होता है तो सबके पहले किसको पता चलता है, एक सेकंड में बोलो, बोलो अकर्ण चंद्र भगवान, यहाँ सारे गृहस्थ हैं लेकिन छोटी सी बात भी नहीं जानते, पहले दाइयों को नर्सों को, अरे डॉक्टर साहब, सबके पहले माता को पता चलता है, सबके पहले माता को पता चलता है, लेकिन भागवत में इसके विपरीत है। हमने सारी चीज कहा कि उल्टा आपको मिलेगा, पहले भगवान का दर्शन देवकी को नहीं हुआ, वसुदेव जी को हुआ। वसुदेव जी ने जब देखा बालक को तो बड़ी सुंदर स्तुति किया, कहा विदितोषी भगवान साक्षात पुरुषा प्रकृते पराहा केवलानुभवानंदा स्वरूपा सर्वबुद्धिक। वसुदेव जी ने कहा हे प्रभु हम आपको पहचान गए, आप साक्षात प्रकृति से परे आदि पुरुष नारायण हैं, आप तो केवल अनुभव में आने वाले, अनुभव गम्य भजई जेई संता, बुद्धि के साक्षी हैं आप, तो कृपा करके हमारे आंखों के सामने दिख रहे हैं, ये आपकी कृपा है, नहीं तो आप तो आदि पुरुष नारायण हैं, आपको देखा नहीं जा सकता। और भी स्तुति किया लेकिन समय अभाव से नहीं कह रहा हूं। उसके बाद माता देवकी ने भी स्तुति अब किया, देवकी ने क्या कहा, रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सात्वम साक्षात विष्णुर अध्यात्म दीपा। देवकी ने कहा हे प्रभु जो आप यह रूप दिखा रहे हैं वास्तव में आपका यह रूप अव्यक्त है, व्यक्त नहीं है, ये तो आपने कृपा करके देखने का सामर्थ्य दे दिया तब हम देख पा रहे हैं, अन्यथा ये रूप तो अव्यक्त है, साधारण जीव इसे देख नहीं सकते। आप तो साक्षात ब्रह्म हैं, ज्योति स्वरूप हैं, निर्गुण हैं, निर्विकार हैं, आप तो केवल सत्ता मात्र हैं, निर्विशेष हैं, आप में कोई क्रिया नहीं है, आप साक्षात विष्णु हैं, अध्यात्म को प्रकाशित करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। ऐसा देवकी ने स्तुति किया। उसके बाद देवकी ने कहा प्रभु आज तक ऐसा पुत्र किसी के हुआ ही नहीं, किसी को विश्वास नहीं होगा कि ये देवकी के पुत्र हैं, पुत्र तो बालक तो छोटा सा होता है, आप तो इतने बड़े हैं चार भुजा वाले हैं, तो कहा फिर कहा बालक बन जाओ। अब भगवान देवकी के कहने पर बालक बन गए, और जब बालक बने तब देवकी को कंस की याद आई, और याद आती है कंस की, देवकी दुखी होकर रो पड़ी। भगवान ने कहा माता अब क्यों रो रही हूं, हम तो आ गए हैं। कहा पुत्र वो कंस बड़ा दुष्ट,
कहा यद्यपि हम आ गए अब भय नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको भय लग रहा है तो हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो और वहां पर कन्या का जन्म हुआ है उसे लेकर के यहाँ आ जाना। नंद बाबा ने हथकड़ी बेड़ी की ओर देखा, भगवान ने कहा प्रयास तो करो, सूप में लिया और लेकर के सिर पर धारण कर लिया। जैसे सिर पर रखा, हाथ की हथकड़ी पेड़ पैरों के बेड़ी टूट गई। नाम लेने से भव सागर सूख जाता है, भव बंधन टूट जाता है, तो साधारण बंधन भगवान के आने पर कैसे रह सकता। जेल के ताले खुल गए, वसुदेव जी बाहर निकले। धीरे धीरे वर्षा होने लगी तो जो बाहर सो रहे थे वो भी अंदर चले गए। भगवान की माया से सारे के सारे पहरेदार सो गए। वसुदेव जी लेकर के गोकुल को चले। शेष ने, बलराम भैया ने सोचा कोई बात नहीं, हम बड़े हैं तो क्या हुआ, हमारा धर्म है सेवा करना, तो शेष के रूप में छत्ता लगा के पीछे पीछे चलने लगे। यमुना में जब वसुदेव जी पहुंचे तो धीरे धीरे यमुना जी बढ़ने लगी। जब वो गले तक यमुना पहुंच गई, नाक तक पहुंच गई, वसुदेव जी घबरा गए और कहा कि हे प्रभु, हमारी मृत्यु भले ही हो जाए लेकिन इस बालक की रक्षा करो। यमुना जी बढ़ती ही जा रही थी, भगवान ने देखा वसुदेव जी भयभीत हो रहे हैं तो अपने पैर को नीचे लटका दिया। चरणों का स्पर्श करते ही यमुना जी शांत हो गई, घुटने भर जल में आ गई। क्यों? यमुना जी भगवान के चरण छूने के लिए उतावली हो रही थी और जैसे उन्होंने छुआ वैसे ही शांत हो गए। गोकुल वसुदेव जी पहुंचे, वहां सब गाड़ी निद्रा में सो रहे थे। माता यशोदा के पास कन्हैया को, बालक को सुला दिया और कन्या जो वहां सो रही थी उसको गोद में लिया, सूप में रखा और लेकर के वापस मथुरा आ गए। जब जेल में पहुंचे तो जेल में पहुंचते ही हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी लग गई, जेल में ताले बंद हो गए। इधर कन्या रोने लगी, रोने की आवाज सुनते ही पहरेदार जग गए, भाग करके कंस के पास गए। अरे राजन, बालक का जन्म हो गया। कंस भयभीत होकर के नंगे सिर नंगे पांव हाथ में तलवार लेकर दौड़ पड़ा, गिरते पड़ते जेल पहुंचा। जब देखा ताला बंद है, हथकड़ी बेड़ी लगी है, थोड़ा धैर्य हुआ, अंदर गया तो यहाँ तो ये भी लिख दिया है कि देवकी ने कंस के चरण पकड़ लिया कि हे भैया, तुमने 6 पुत्र हमारे मार दिए, 7वां गर्भ अपने आप नष्ट हो गया, अब ये 8वें गर्भ से कन्या ने जन्म लिया है, ये तुम्हारी क्या हानि करेगी, इसे छोड़ दो छोड़ दो। ऐसा कह करके देवकी ने पैर पकड़ लिया, लेकिन दुष्ट कंस नहीं माना। उस कन्या का पांव पकड़ करके आकाश में नचा करके पत्थर पर पटकना चाहा, हाथ से कन्या छूट गई, आकाश में जाकर के अष्टभुजाधारी हो गई। दुर्गा रूप धारण किया और धारण करके कहा, रे दुष्ट, तू मुझे मारना चाहता है? अरे तुझको मारने वाला पहले ही ब्रज में जन्म ले लिया। अब कंस भयभीत हुआ, देवकी वसुदेव से क्षमा मांगा कि हमसे अपराध हो गया, क्षमा कर दो, तुम्हारे पुत्रों को हम मार दिया, देवताओं ने झूठ बोला, बहुत सारी बात किया। देवकी वसुदेव ने क्षमा कर दिया। यहाँ कन्हैया भी जब ब्रज में पहुंचे तो पहुंचते ही रोने लगे, कार्य करवाया और करा करके 2,00,000 गायों का दान किया, सींग मढ़ा करके सोने चांदी से, 7 तिल के पहाड़ दान किए और उसके बाद गोपियां आ गई और आकर के सुंदर उत्सव मनाया जाने लगा। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले बाकी में हरिलाल की।
अरे सोनी परिवार खूब लुटा
बजे बाजे बजे ढोलक मृदंग शोर की नंद को लाल भयो लाल रंग डारो हरे लाल रंग डारो हरे लो रंग डारो लाल रंग डारो हरे गोर रंग डारो केसरिया हरे केसरिया हे बंसी वाले सांवरिया लाल रंग डारो We'll be right back.
बोलना है, हाथ उठा के बताओ मेरे साथ बोलना कैसे। हे दंत के आनंद भाई भाई अरे हत्ती घोड़ा पालकी, अरे हत्ती घोड़ा पालकी, अरे हत्ती घोड़ा पालकी, नंद घोड़ा नंद भायो, नंद घोड़ा नंद भायो, हत्ती घोड़ा पालकी। गोविंदा आला रे जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला, गोविंदा आला रे जरा मट्टी संभाल ब्रज बाला, जल्दी
कस्तूरी तिलक चंद्र सी छक ललित छवि श्यामा प्यारी की हस्ते पुष्पाणि जादाय मंत्र पुष्पांजलिः
सजंत जत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशय्य साहिने नमो वयम् वै श्रवणाय कुरुमहे शमीकामान् कामकामाय मह्यं कामीश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं वज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमीत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै शाश्वतार्वभौम शारवायभयान्तादापरार्धातोऽर्थिव्यैरमुग्धपर्यन्ताय एतराडितदप्येष श्लोको विनीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्पश्चापसङ्ग्रहेऽभिक्षतश्वकामप्रे विश्वे देवासवासदीति ओं विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतोपा उरुत विश्वतस्मात् जम्बाभ्यान्तपति जम्पति त्रैजाव ओमी नन्देव एकः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् मुदित सुमंगल कुसुम ले अनुश्रद्धा के साथ पुष्पांजलि अर्पण करूं हे गोपों के नाथ ओम भगवते श्री बालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः बोलिए सभी भक्तों को कृष्ण जन्म की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं प्रसाद लेकर ही जाना है, ये ना भूलें। बोलिए बाकी दे हरिलाल की, श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी सरकार की। वो जहाँ आए हैं कुछ कहना है, चाहते हैं कुछ हमारे मन के सम्मान में कहना चाहते हैं कि सागर हम पर आमंत्रित है, आए बोलिए। सजा दो घर को गुलशन सरकार आए हैं, घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार Thank you.
आज इस पावन दिवस पर नए सना फैसे सेलन के द्वारा परम सम्मानी आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी का नए सना फैसे सेलन के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हम सब लोग नए सना फैसे सेलन के द्वारा परम पूज्य पंडित जी का हे लाला जायो हे लंदे घर लाला जायो हे लाला जायो हे लंदे घर लाला जायो हे ब्रज में
सब मिल गाओ आज।